इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये खंडहर जो आप देख रहे हैं, किसी जमाने में यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के मेहरोली बदरपुर रोड पर स्थित आदिलाबाद किला दिल्ली के इतिहास में एक छोटी मगर महत्वपूर्ण जगह रखता है। आदिलाबाद किला मशहूर तुगलकाबाद किले के ठीक दाई तरफ बना हुआ है। ये किला मजबूत चार दीवारी से घिरे जहांपनाह शहर का हिस्सा था। इसे दिल्ली के चौथे शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को 14वीं सदी के मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। लाल कोट और सीरी का किला, जो आज इस किले से 15 किलोमीटर दूर है, तब किले के चार दीवारी के अंदर हुआ करते थे। उस समय आदिलाबाद किले के 13 दरवाजे हुआ करते थे। बताया जाता है कि सन 1326-1327 में आदिलाबाद किला परिसर के अंदर रहने वालों की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। जब जहांपनाह शहर की दीवारें बनाई ही जा रही थीं, तब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दक्कनी मुहिम में व्यस्त थे। जैसे जैसे उनके साम्राज्य की सीमाएं फैलती गईं, उन्हें लगने लगा कि हुकूमत पर पूरा काबू करने के लिए उन्हें और भी केंद्रीय जगह की ज़रूरत है। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी नई राजधानी बनाने का फैसला किया। बाद में देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। सन 1327 में आदिलाबाद किले को लावारिस छोड़ दिया गया, लेकिन सन 1335 में मंगोलों के हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी को फिर बदलने का फैसला हुआ और इस तरह आदिलाबाद किले को दोबारा आबाद किया गया। आदिलाबाद किला जब अपने उरुज पर था, तब वहां एक गढ़ी भी बनी हुई थी, जहां सुरक्षा के लिए लोहे के दरवाजे लगाए गए थे। आदिलाबाद किले के पास ही बना है नाई का कोट या नाई का किला। बताया जाता है कि जब आदिलाबाद का किला बन रहा था, तब मोहम्मद बिन तुगलक यहीं पर रहते थे। सन 1944 में जब यहां शुरुआती खुदाई हुई, तब कई ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकारों ने आदिलाबाद की तुलना मध्ययुगीन लंदन शहर से की थी। किसी जमाने में आदिलाबाद किले के अंदर कई भव्य भवन हुआ करते थे। ये भी बताया जाता है कि वहाँ एक आलीशान महल भी हुआ करता था, जिसमें कई मजबूत खम्बे और शानदार सभागार थे। इसका वर्णन मोरक्को के यायावर इब्न बतूता के लेखों में भी मिलता है। किले के नीचे एक बड़ी झील थी, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनने तक मौजूद थी, और वो तुगलकाबाद किले से भी जुड़ी थी। आज ये जगह उपेक्षा का शिकार है और यहाँ आपको गांव के बच्चे खेलते नजर आएंगे। सन 1351 में सिंध की मुहिम के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद उनके भाई फिरोज शाह तुगलक ने हुकूमत की बागडोर संभाली। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में उत्तर की दिशा में एक नई राजधानी खोजी, जिसे आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। बीती चंद सदियों में दिल्ली में कई राजधानियां बनी और उजड़ी। इस लंबी दास्तान में आदिलाबाद किले की भी एक छोटी सी भूमिका रही है। अपने से ज़्यादा मशहूर पड़ोसी तुगलकाबाद किले की वजह से ज़्यादातर लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती।